आपने टैग क्वेश्चंस के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना, टैग क्वेश्चंस आर द स्मॉलेस्ट क्वेश्चंस विच आर जनरली टैग्ड ऑन टू द स्टेटमेंट्स. टैग क्वेश्चंस वे संक्षिप्त क्वेश्चंस होते हैं जो कि आमतौर पर स्टेटमेंट्स पे लगाए जाते हैं. दे आर अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ यस नो क्वेश्चंस. यस नो क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चंस देयर आंसर इज यस और नो. यस नो क्वेश्चंस वे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब हमेशा हां या ना में होता है, इसलिए ही इनको यस और नो क्वेश्चन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मोनिका स्पीक्स फ्रेंच वेरी वेल. दिस इज अ स्टेटमेंट. ये एक स्टेटमेंट है और इसका टैग क्वेश्चन डजंट सी आर रिप्रेजेंटेटिव हैज नॉट सेंट हिज रिपोर्ट येट. हमारे प्रतिनिधि ने अपनी रिपोर्ट अभी तक भेजी नहीं है. अब इसका जो टैग क्वेश्चन है, हैज ही. अभी जस्ट मैं आपको यह बता रहा हूं कि टैग क्वेश्चन होते क्या हैं. टैग क्वेश्चंस वे संक्षिप्त क्वेश्चंस होते हैं जो कि आमतौर पर स्टेटमेंट्स पे लगाए जाते हैं. रूल्स अभी मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम अ फुली बिजी नाउ. अभी मैं बहुत व्यस्त हूं क्या नहीं हूं. इसका जो टैग क्वेश्चन बनेगा, आंट आई. अब ये टैग क्वेश्चंस, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, यही टैग क्वेश्चंस हैं. अब इसको एक्सप्लेन करेंगे ये क्यों आया. मोनिका स्पीक्स फ्रेंच वेरी वेल, ये किसने की स्टेटमेंट है? पॉजिटिव. और इसका टैग क्वेश्चन कैसा है? नेगेटिव. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, आर रिप्रेजेंटेटिव हैज नॉट सेंट हिज रिपोर्ट येट. ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है और इसका जो टैग क्वेश्चन है वो पॉजिटिव है, जिससे से आई एम ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और इसका टैग क्वेश्चन कैसे है? नेगेटिव. तो जनरल जो रूल्स है टैग क्वेश्चंस बनाने का वो क्या है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो टैग क्वेश्चन कैसे होगा? नेगेटिव. नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, फर्स्ट रूल. सेकंड, यहां पर नाम क्या है? मोनिका. लेकिन टैग क्वेश्चन हमने क्या लिखा? शी. यहां आवर रिप्रेजेंटेटिव है ही, यहां आई है तो आई का आई लिखा. यानी टैग क्वेश्चंस में केवल प्रोनाउन का और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है. अब इस सभी को रूल्स को नोट कीजिए, जनरल रूल्स ऑफ मेकिंग टैग
questions. जो कुछ मैंने हिंदी में बताया अब उस बात को सब मैं इंग्लिश में लिखूंगा. फर्स्ट है इफ अ टैग सॉरी इफ अ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव इट्स टैग क्वेश्चन इज जनरली नेगेटिव. जैसे कि आपने अभी देखा मोनिका स्पीक्स और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है. इसका टैग क्वेश्चन कैसा है? डजंट सी नेगेटिव हुआ. इफ अ स्टेटमेंट इज नेगेटिव इट्स टैग क्वेश्चन इज ऑलवेज पॉजिटिव. नेक्स्ट वन इन अ टैग क्वेश्चन ओनली हेल्पिंग वर्ब्स एंड प्रोनाउंस आर यूज. अब ये टैग क्वेश्चन में हम हेल्पिंग वर्ब ही क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो टैग क्वेश्चन है वो यस नो क्वेश्चन की एक स्पेशल कैटेगरी है और यस नो क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और हेल्पिंग वर्ब विच हेल्प्स ऑक्सिलरीज जैसे कि आपका इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड डू डज डिड. 11 तो ये है प्राइमरी वर्ब्स और 13 मोडल्स हैं कैन कुड मे माइट शैल विल शुड वुड. ठीक, जो भी क्वेश्चन इनसे स्टार्ट होगा वो क्या होगा? यस नो क्वेश्चन होगा और इनका जवाब हमेशा हां या ना में होता है. थर्ड रूल अ टैग क्वेश्चन मस्ट बी इन शॉर्टेंट फॉर्म. टैग क्वेश्चन हमेशा शॉर्टेंट फॉर्म में होना चाहिए, संक्षिप्त रूप. अब देखिए आप यहां हम डज सी नॉट भी लिख सकते थे लेकिन हमने क्या लिखा? डजंट. अब यहां देखिए आई एम, एम का जो नेगेटिव होता है वो एम नॉट होता है. लिखा तो जाना चाहिए एम आई नॉट लेकिन इसके शॉर्टेंट फॉर्म एम के एम नॉट नहीं होती, क्या होती है? आंट.